टी20 वर्ल्ड कप से भारत का आउट हो जाना क्रिकेट फैंस और देश के लिए बेहद ही शॉकिंग रहा। सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा था और उम्मीद थी कि इस बार तो टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत में ही आएगी, लेकिन भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आइए जानते हैं कि भारतीय टीम की हार के 10 बड़े कारणों के बारे में। रोहित शर्मा की खराब लीडरशिप इस मैच को हारने का एक बड़ा कारण रही। सही मौके पर सही खिलाड़ियों के चयन में रोहित शर्मा 0 साबित हुए। मैच में भारतीय गेंदबाजों की गेंदों की रफ्तार धीमी दिखाई दी। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत के ओवरों में ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी दे दी, जिसका इंग्लैंड की टीम ने खूब फायदा उठाया। मैच की कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा 27 गेंदों पर 28 रन तो वहीं केएल राहुल 5 गेंदों पर 5 रनों पर ही सिमट गए, जो कि हार का एक बड़ा कारण रहा। टीम इंडिया की खराब ओपनिंग और लगातार फ्लॉप रही ओपनिंग जोड़ी ने पूरे विश्व कप में मिडल ऑर्डर पर दबाव बनाया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जो कि हार का एक बड़ा कारण साबित हुआ। सूर्य कुमार के खराब प्रदर्शन ने जीत की उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। सूर्य कुमार मात्र 14 रनों पर ही सिमट गए। विराट और हार्दिक को छोड़ बाकी बल्लेबाजों के बल्लों में दम ही नहीं दिखा। बटलर और हेल्स की शानदार बल्लेबाजी के सामने भारतीय खिलाड़ी सुस्त दिखाई दिए। दोनों खिलाड़ियों ने ही 170 रन बनाकर भारतीय टीम को हरा दिया। भारतीय खिलाड़ियों के पावर प्ले में विकेट गिराना हार का एक बड़ा कारण रहा। पावर हिटिंग में हार्दिक पांड्या को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी सुस्त दिखाई दिए।